हेलो फ्रेंड्स, सो ये भी एक सिंपल सी प्रॉब्लम है। इसमें हमें करना क्या है, एक नंबर यूज़र से इनपुट लेना है, ओके, एंड हमें ये डिस्प्ले करवाना है कि वो नंबर नेगेटिव है, पॉजिटिव है या ज़ीरो है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर। सो इंट नम, मैंने वेरिएबल का नाम रखा है नम और उसको इनिशियलाइज करवा दिया ज़ीरो से, ओके। एंड अब हम क्या करेंगे, यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे यूजिंग प्रिंटफ फंक्शन, प्लीज एंटर द नंबर, ओके। एंड यूजिंग स्कैनफ फंक्शन हम वैल्यू स्टोर करवाएंगे किसमें, नम वेरिएबल, ओके। सो अब हमें क्या करना है, कंडीशंस यूज करनी है, ओके, इफ एल्स, ओके। सो इफ num is greater than 0, यानी कि अगर num की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमें क्या मैसेज डिस्प्ले करवाना है, num is positive, ओके। और जो हमारी दूसरी कंडीशन होगी, ओके, इसके else if पार्ट में हम क्या चेक करवाएंगे कि इफ नम इज लेस देन ज़ीरो, यानी अगर नम की वैल्यू, नम में हमने जो इनपुट ली है वैल्यू, वो वैल्यू अगर ज़ीरो से छोटी है तो हम क्या डिस्प्ले करवाएंगे, नम इज नेगेटिव, ओके। एंड जो एल्स पार्ट है उसमें हमें डायरेक्टली प्रिंट करवाना है, डिस्प्ले करवाना है num is 0, okay. So this is our program, so let's run this program. So starting में उसने message दिया, please enter the number. So मैंने यहाँ पे enter किया 12. So उसने क्या output display किया, num is positive, okay. Again let's run this program. So इस बार हम एक negative value enter करेंगे, सो माइनस 9. सो उसने आउटपुट क्या दिया, नम इज नेगेटिव, ओके। अगेन लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड इस बार हम 0 एंटर करेंगे, सो आउटपुट इज नम इज 0, ओके। सो दिस इज द प्रोग्राम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।